कोलकाता आरजी कर घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर सरकारी निजी अस्पताल के ओपीडी बंद। आसनसोल जिला अस्पताल में भी ओपीडी बंद, किंतु इमरजेंसी सेवा चालू। आरजी कर घटना के विरोध में माकपा का सड़क जाम। रानीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग को पूर्व सांसद और पूर्व विधायक ने नेतृत्व में सड़क जाम। पर्यावरण को बेहतर करने के उद्देश्य से द नेचर ने किया पौधारोपण कार्यक्रम। मंत्री मलय घटक ने किया वृक्षारोपण। आसनसोल बाढ़ में मारे गए 4 में 2 को राज्य सरकार के तरफ से सहायता राशि प्रदान की गई। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं टीएन घाटी, टीपालाजी फैशन हर घर की पसंद, सुधा उद्योग, फर्नीचर वर्ल्ड, श्री जानकी स्टोर, स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक, राजा रेडीमेड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ब्लेस हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, ट्रेक एंड ट्राई, विघ्नेश्वरा माँ, लकी बाबू दुकान ज्वेलर्स। कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ आज पूरे भारत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टरों ने सरकारी तथा निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में ओपीडी सेवा बंद रखी है। आसनसोल जिला अस्पताल में भी ओपीडी सेवा बंद रही, लेकिन इमरजेंसी सेवा चालू थी। इस बारे में हमने आसनसोल जिला अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर निखिल चंद्र दास से बात की तो उन्होंने कहा कि ओपीडी फिलहाल बंद है, लेकिन इमरजेंसी सेवा चालू है और मरीजों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं जब हमने इस बारे में आसनसोल जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर इंद्रजीत मोहंती से बात की तो उन्होंने कहा कि ओपीडी भले बंद है, लेकिन इमरजेंसी सेवा चालू है। हालांकि उन्होंने कोलकाता में मेडिकल की छात्रा के साथ जो कांड हुआ उसकी तीव्र निंदा की और कहा कि पूरा चिकित्सक समाज उस परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि समाज के लोग डॉक्टर के दुश्मन नहीं हैं, इसलिए वह अपने दर्द को छुपाते हुए भी इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं। हालांकि ओपीडी बंद है, वही जब हमने इस बारे में बाराबनी से आए एक व्यक्ति से बात की तो उन्होंने कहा कि वह आज अपनी आंखों का इलाज कराने आसनसोल जिला अस्पताल आए थे, लेकिन पता चला कि यहाँ पर ओपीडी बंद है और वह वापस जा रहे हैं। হ্যাঁ, আজকে আউটডোর এখনো পর্যন্ত কোনো ডাক্তারবাবু বসেনি। তো আমাদের জানেন ইমার্জেন্সিতে রাউন্ড দ্য ক্লক চলে, এখানে সমস্ত ইমার্জেন্সি আমাদের চালু আছে, অ্যাডমিশনও চালু আছে, ইনডোরেরও কাজকর্ম চলছে। এখনো পর্যন্ত কোনো রকমের কার্য পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে আমার কাছে খবর নেই। না না না, ইমার্জেন্সি স্ট্যান্ডিং করা হয়েছে, ওখানে ডবল ডাক্তার দেওয়া হয়েছে, নার্সিং স্টাফের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ওখানে আউটডোর বন্ধ আছে, তো জরুরি পরিষেবা চালু আছে মানুষের স্বার্থে। আমরা জরুরি পরিষেবা বুকে অনেক ব্যথা নিয়েও চালু রেখেছি, নির্যাতিতার পক্ষে দাঁড়িয়ে, পাশে দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদের সামিল হয়ে আমরা মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যাইনি, মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের ন্যূনতম যে জরুরি পরিষেবা সেটা আমরা বজায় রাখতে কাজ করছি। কাল আয় থে লেকিন ইয়াহ পে দিখানে আয় থে লেকিন আজ আজ পুরো আউটডোর বন্ধ হে। কা সুনা হে কিস লিয়ে বন্ধ হে? কিস লিয়ে বন্ধ হে? ইয়ে এক ডাক্তার কা জো কেস হে না উসকে কারণ লিয়ে বন্ধ হে। আমি হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলাম চোখ দেখাবার জন্য আউটডোরে, তো আজকে হসপিটালে কোনো ডাক্তার সব স্ট্রাইকে আছে, আউটডোর বন্ধ, বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। इस मौके पर डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, पार्षद सी के रेशमा, सापा संपा दाब, दीपा चक्रवर्ती, फंसवी आलिया, गोपा हलदार, राजेश तिवारी के अलावा बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित है। यह रैली टीएमसी पार्टी कार्यालय से निकलकर बस स्टैंड तक गई। वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया जहाँ पर मंत्री मलय घटक और आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बातें रखी, लेकिन इससे पहले इस मुद्दे पर ममता बनर्जी का भाषण उपस्थित लोगों को सुनाया गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा जो घटना घटी है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरह से तत्वरित कार्रवाई की थी वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में भी यही देखा गया था कि राज्य सरकार को बदनाम करने की, टीएमसी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। आप लोगों के भाई के तौर पे आपके अपने घर के परिवार की हैसियत से यहाँ बैठा हुआ हूँ और तब से बैठा हुआ हूँ, तब से देख रहा हूँ कि बात न बढ़ाए जा रहे हैं लोग। अरे भाई, जो आदमी गिरफ्तार हुआ है उस पे आरोप की जांच हो रही है और लोग ऐसे जघन्य काम किए वो भी पकड़े जाएंगे। हमारी पुलिस को आप काम नहीं करने देते हो। हमारी बंगाल की पुलिस इतनी अच्छी पुलिस है, उसको काम है, जब काम के अंजाम पर पहुंच रही है उसी बीच में आप सीबीआई की जांच को बोलते हो कि सीबीआई करेगी। चलो करो सीबीआई। ममता जी ने तो सिर्फ सैटरडे संडे तक का टाइम मांगा था,
तो सीबीआई को भी संडे तक जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, ममता जी और हम सब कह रहे हैं, मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि जिस आदमी ने ऐसा जघन्य अपराध किया है, चाहे जिन लोगों ने किया है, उनको सजाए मौत भी कम होगी, उनके लिए सजाए मौत भी कम होगी, उसको तो हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए। हार्शेस्ट पनिशमेंट, कैसे कि रूह कांप उठे लोगों की, ऐसा कोई गलत काम करने की सोचे भी तो, जो उन लोगों ने उपस्थित आगे कैकदिन आगे एक घटना घटे এনআরএস মেডিকেল কলেজে, আরজিগড় মেডিকেল কলেজে, এবং সেই ঘটনাকে পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন যে তিনি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তিনি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন যে ধর্ষকে ফাঁসি, সেই ধর্ষককে খুঁজে বের করে তার ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে। মাত্র দুদিন রাজ্য সরকারের পুলিশ তদন্ত করেছিল, গ্রেপ্তার করা হয়েছিল একজনকে, কিন্তু তারপরে তদন্তের ভার চলে গেছে সিবিআই এর হাতে। এখনো পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়নি যে ধর্ষণের নায়ককে কিয়া। इस मौके पर डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, पार्षद सीके रेशमा, सापा संपा दाब, दीपा चक्रवर्ती, फंसवी आलिया, गोपा हलदार, राजेश तिवारी के अलावा बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित है। यह रैली टीएमसी पार्टी कार्यालय से निकलकर बस स्टैंड तक गई। वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया, जहाँ पर मंत्री मलय घटक और आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बातें रखी। लेकिन इससे पहले इस मुद्दे पर ममता बनर्जी का भाषण उपस्थित लोगों को सुनाया गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, जो घटना घटी है उसके जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की थी वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में भी यही देखा गया था कि राज्य सरकार को बदनाम करने की, टीएमसी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। आप लोगों के भाई के तौर पे, आपके अपने घर के परिवार की हैसियत से यहाँ बैठा हुआ हूँ, और तब से बैठा हुआ हूँ, तब से देख रहा हूँ कि बात न बढ़ाए जा रहे हैं लोग। अरे भाई, जो आदमी गिरफ्तार हुआ है उस पे आरोप की जांच हो रही है, और लोग ऐसे जघन्य काम किए वो भी पकड़े जाएंगे। हमारी पुलिस को आप काम नहीं करने देते हो। हमारी बंगाल की पुलिस इतनी अच्छी पुलिस है, उसको काम अभी जब काम के अंजाम पर पहुंच रही है, उसी बीच में आप सीबीआई की जांच को बोलते हो कि सीबीआई करेगी। चलो करो सीबीआई। ममता जी ने तो सिर्फ सैटरडे संडे तक का टाइम मांगा था, तो सीबीआई को भी संडे तक जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, ममता जी और हम सब कह रहे हैं, मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि जिस आदमी ने ऐसा जघन्य अपराध किया, चाहे जिन लोगों ने किया है, उनको सजाए मौत भी कम होगी, उनके लिए सजाए मौत भी कम होगी, उसको तो हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए। हार्शेस्ट पनिशमेंट, कैसे कि रूह कांप उठे लोगों की, ऐसा कोई गलत काम करने की सोचे भी तो, जो उन लोगों ने उपस्थित आचे कैकदिन आगे एक घटना घटे এনআরএস মেডিকেল কলেজে, আরজিগড় মেডিকেল কলেজে, এবং সেই ঘটনাকে পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন যে তিনি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তিনি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন যে ধর্ষকের ফাঁসি, সেই ধর্ষককে খুঁজে বের করে তার ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে। মাত্র দুদিন রাজ্য সরকারের পুলিশ তদন্ত করেছিল, গ্রেপ্তার করা হয়েছিল একজনকে, কিন্তু তারপরে তদন্তের ভার চলে গেছে সিবিআই এর হাতে। এখনো পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়নি যে ধর্ষণের নায়ককে কিয়া। सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राय पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे पीएसए, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो,
मैक्स सिटी, आई बाई, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाय, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई चिरडंगाल आसनसोल। आसनसोल में ज्वेलरी कारोबार में एक प्रतिष्ठित नाम लक्की बाबू दुकान ज्वेलर्स। यहां आपको मिलेंगे शुद्ध 22 कैरेट के 916 HU ID युक्त होलमार्क स्वर्ण आभूषण। साथ में उपलब्ध है डायमंड के एक्सक्लूसिव कलेक्शंस। विवाह के लिए हो खरीदारी या फिर अपनों को देना हो गिफ्ट, तो चले आइए 48 सालों से प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम लक्की बाबू दुकान ज्वेलर्स, हेड पोस्ट ऑफिस के विपरीत, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में अपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहां मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रीन नाइट का ह्यूज स्टॉक। यहां आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियां और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरौड़ी मंदिर के विपरीत, NH2 आसनसोल। अगर आप चाहते हैं किफायती दरों पर कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन, तो चले आए स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक। आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, मोटोरोला समेत सभी ब्रांड के फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप भी मिलेंगे और आसुस एक्सक्लूसिव स्टोर में मिलेंगे। आसुस के लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप, टेप बुक और नीवो बुक। स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक, ADDA मार्केट, अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। आसनसोल और आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण को और बेहतर बनाने के लिए प्रशासन के तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कल्याणपुर हाउसिंग में द नेचर नाम से एक अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत आज राज्य के मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। मंत्री की उपस्थिति में और उनकी निगरानी में यहाँ पर कई वृक्ष लगाए गए। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए मंत्री मलय घटक ने कहा कि आसनसोल शहर का नाम आसन और सोल मिलकर बना है। यहाँ पर पहले घना जंगल हुआ करता था, लेकिन आबादी को बसाने के लिए यहाँ पर पेड़ों को काट कर रिहायशी इलाके बनाए गए। धीरे धीरे औद्योगिकरण हुआ, जनसंख्या बढ़ती रही, ऐसे में आसनसोल में और ज़्यादा पेड़ों की कटाई हुई, जिस वजह से आज आसनसोल में पेड़ों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। इसी को देखते हुए वृक्षारोपण की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है और आज इस अभियान के जरिए वृक्षारोपण की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। যে আমাদের এই অঞ্চলটা একসময় জঙ্গল ছিল, আসাম গাছের জঙ্গল ছিল, এবং সেই জঙ্গল থেকে যেমন কয়লা হয়েছে এবং সেই জঙ্গল কেটে আসানসোল শহর হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে এনভায়রনমেন্টের দিক থেকে যদি দেখেন, তাহলে শীত হয়তো সব থেকে বেশি দার্জিলিং এ পড়ে, কিন্তু দার্জিলিং এ পড়ে কিন্তু ঠান্ডা কিন্তু আমাদের আসানসোল অঞ্চলে মানুষ পেয়ে থাকে। আর গরমের সময় সব থেকে বেশি গরম আমাদের রাজ্যে কিন্তু এই আসানসোল পুরুলিয়া এই অঞ্চলেই থাকে। এবং যেটা DM সাহেব বলছিলেন, যেখানে যেহেতু অনেক কলকারখানা গলিরি আছে, তার জন্য কিন্তু তো এর বিরুদ্ধে লড়াই মারতে হবে, এবং এর বিরুদ্ধে যে লড়াই নেমেছে তার নেচার আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।
आसनसोल में हाल ही में आए बाढ़ में आसनसोल के 4 लोगों की मौत हो गई थी। आज आसनसोल के बीएनआर इलाके में स्थित सर्किट हाउस में मंत्री मलय घटक, जिला शासक एस पुन्नाबलन की मौजूदगी में इनमें से 2 मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुआवजा का चेक प्रदान किया गया। इस मौके पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि कुछ दिनों पहले आसनसोल में जो भारी बारिश हुई थी उसकी वजह से बाढ़ आई थी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उनमें से आज 2 लोगों के परिवार वालों को मुआवजे का चेक प्रदान किया गया। बाकी 2 लोगों का परिवार जैसे ही जरूरी दस्तावेज जमा कर देंगे उनको भी यह सेवा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा आपदा में फंसे लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती है और आसनसोल में जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग तुरंत हरकत में आ जाता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सभी पीड़ितों के साथ है। रेडीमेड गारमेंट के लिए पधारे राजा रेडीमेड। आसनसोल में रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक प्रतिष्ठित नाम राजा रेडीमेड। पुरुषों, महिलाओं, युवतियों और बच्चों के लिए मन लुभावन कपड़े राजा रेडीमेड, यानी इस पूजा में खरीदारी का सही ठिकाना राजा रेडीमेड, जीटी रोड नियर बस्तीन बाजार, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में, तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फेस्टिवल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गोराई मंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, जो अप्रूव्ड है वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से और एफिलिएटेड है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। नर्स बनने के इच्छुक युवतियों के लिए 2 बेहतरीन कोर्सेज, GNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड BSc इन नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्स। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, नियर घाघरगुड़ी मंदिर, NH2, आसनसोल। पश्चिम बर्धमान फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की तरफ से आज आसनसोल ट्रैफिक मोड़ के पास बने नगर निगम के रक्तदान केंद्र में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी उपस्थित थे। उन्होंने सभी रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट प्रदान कर उसकी हौसला अफजाई की। इसके साथ ही उन्होंने संगठन के तरफ से इस रक्तदान आंदोलन में सम्मिलित होने और इस शिविर के आयोजन के लिए उनको बधाई दिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान से कोई महान दान नहीं होता और आज जिस तरह से पश्चिम बर्धमान फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के तरफ से इस शिविर का आयोजन किया गया वह काबिले तारीफ है। उन्होंने अन्य संस्थाओं को भी इस तरह से रक्तदान आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। फोटोग्राफी एसोसिएशन पक्ष থেকে আজ কে আমাদের ব্লাড কালেকটিং সেন্টারে এখানে রাজ্য সরকারের জেলা হাসপাতালের মাধ্যমে ব্লাড কালেকটিং এর একটা সেন্টারে আজকে কালেকটিং এর ব্যবস্থা করেছে। আমি ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই পশ্চিম বর্ধমানের ফটোগ্রাফি অ্যাসোসিয়েশনকে, যাদের এই শুভ উদ্যোগের মধ্যেখানে তারা মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করে, মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে, মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ভাবনা তাদের মধ্যে এসেছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আগামী দিনে আরও মানুষ এনাদের সমর্থন করবে এবং আরও যারা ফটোগ্রাফার আছে আমার মনে হয় তারা এখনও ঠিক কোনো খবর পায়নি, যদি খবর পেত তাহলে নিশ্চয়ই এখানে আসতো। সাধু উদ্যোগে যারা এখানে উদ্যোগী হয়েছেন তাদের কাছে আমার আবেদন,
যে আপনারা আগের বছর থেকে বা যখনই করবেন আরও ব্যাপকভাবে করুন। মাইকের সাহায্য নিন, মানুষের সাহায্য নিন, পৌরনিগমের সাহায্য নিন, আমাদের জেলা হাসপাতাল রয়েছে তাদেরও বলুন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের ইচ্ছা প্রকাশ করে যে সে তার ঋণটাকে সে শোধ করবে। অনেক মানুষের অর্থ নেই, তারা চিন্তা করে যে আমি মানুষের পাশে থাকবো, তারা যদি ব্লাড দিয়েও মানুষকে সাহায্য করে আপনার সাথে, সেরকম অনেক বন্ধু আপনারা পাবেন। আমি আশা করি আগামী দিনে আপনারা আপনাদের এই ব্লাড ইয়েটা ডোনেশনটা আরও ভালো হবে, সুন্দর হবে এবং আপনারা সকলে ভালো থাকুন। আপনাদের এই ইচ্ছা আসানসোলের মানুষকে নতুনভাবে ভাবনা জানাবে। আজকে আসানসোল ব্লাড সেন্টারে যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে এটা অভূতপূর্ব, প্রশংসনীয় দাবি রাখে। এবং এই আমাদের এই আসানসোল এই পশ্চিম বর্ধমান ফটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশন এর পেছনে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফেডারেশন অফ ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন, এ পশ্চিমবঙ্গাল সরকার কা আজ কা ডেট কা 17 তারিখ আজ আপনাকে আমি ত্যাগে রেডি হো গিয়ে এ গভর্নমেন্ট সার্টিফিকেট ইস আসানসোল ফটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশন সবই जो फोटोग्राफर कर्मी जो भी सभापति संपादक फुल टीम मिलकर जो काम किया ये आपको पश्चिम बंगाल सरकार स्टेट ब्लड ट्रांसमिशन काउंसिल के तरफ से एक सर्टिफिकेट का अपना प्रोग्राम आसनसोल के चांदमारी इलाके में स्थित राइफल क्लब में 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक 56वें पश्चिम बंगाल प्रदेश शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में वीके ढल ने बताया कि 19 तारीख से इस प्रतियोगिता की शुरुआत होगी जिसमें तकरीबन 700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में पिस्तौल और राइफल शूटिंग की विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 19 तारीख से शुरू होगी और 25 तारीख तक चलेगी। रोजाना सुबह 8 बजे से इस प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। इंडोर प्रतियोगिताओं का आयोजन सुबह 8:30 बजे से लेकर प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर रात 8 बजे तक किया जाएगा, जबकि आउटडोर स्पर्धाओं का आयोजन सुबह 8:30 से शाम 5 या 5:30 तक होगा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार वितरण समारोह 23 तारीख को होगा और अंतिम तोषिक वितरण समारोह का समापन 25 तारीख को होगा। उद्घाटन समारोह में 19 तारीख को जिले के जिला शासक और पुलिस आयुक्त उपस्थित रहेंगे। हमारे रिखने 56 वेस्ट बंगाल स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2024 राइफल एंड पिस्टल इवेंट से आयोजन करा होच्छे। ओटा अपनार हमारे रिखने आरंभ होबे 19 तारीख थी के सकाल थी और एटा 25 तारीख रविवार पर्यंत यो चलबे इवेंटा। এই ইভেন্টে প্রায় 650 থেকে 700 পার্টিসিপেন্ট থাকছেন যারা ভাগ নেবেন, পুরো পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভাগ নেবেন যারা, মানে একটা স্টেট লেভেলে খেলতে পারেন ওই শুটাররা রাইফেল পিস্টল ইভেন্টে ভাগ নেবেন। এতে ধরুন 10 মিটার রাইফেল, 10 মিটার এয়ার পিস্টল, 10 মিটার এয়ার রাইফেল, 50 মিটার্স প্রোন, 50 মিটার্স থ্রি পজিশন, 25 মিটার্স আপনার পিস্টল, স্ট্যান্ডার্ড পিস্টল, আপনার সেন্টার ফায়ার, তারপরে 50 মিটার্স ফ্রি পিস্টল, এইসব ইভেন্টসগুলো এখানে হবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं पीएन घाटी, टिपालाजी फैशन हर घर की पसंद, सुधा उद्योग, फर्नीचर वर्ल्ड, श्री जानकी स्टोर, स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक, राजा रेडीमेड, आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ब्लेस हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, ट्रेक एंड ट्राई, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, लकी बाबू दुकान ज्वेलर्स,